हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, मैं हूं सूरज सर। वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर। यहां इस चैनल पे हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स का एक एक चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था मैट्रिक्स के बारे में, और मैट्रिक्स चैप्टर को एक एक करके हर एक टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिला था, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और यहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में क्या पढ़ने वाले हैं आज हम डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे आपको कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। दूसरा, माइनर और कोफैक्टर किसको कहा जाता है। माइनर और कोफैक्टर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रेडी कर देता है आप लोगों को, तो कंफ्यूजन जैसे ही रेडी होगा माइनर और कोफैक्टर में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो माइनर और कोफैक्टर को हम इजी तरीके से आज आपको समझा देते हैं, और आगे भी इस चैप्टर का वीडियोस टॉपिक वाइज आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियोस अवेलेबल करवाता रहूँगा हमेशा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट जब भी हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो याद रखिएगा डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ही हम हमेशा सॉल्व कर सकते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर आपके सामने आ गया और कह रहा है इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो तो वो इनवैलिड हो जाएगा। यानी हमेशा हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यूज करेंगे डिटरमिनेंट के लिए। अब है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के साइन में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि अगर आप डिटरमिनेंट लिख रहे हैं, यानी पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स लिखना सीखा था 2 4 7 9, जैसे ये एक 2:2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 -2 3 1 5 9, ये भी एक मैट्रिक्स है जो 3:3 ऑर्डर का है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 3:3 ऑर्डर का है। ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तब कहलाने लगेगा जब इसका साइन यहाँ पे ऐसा नहीं यूज करके हम इसका साइन दो सिंपल स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, यानी इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो ये एक डिटरमिनेंट है। और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिटरमिनेंट में जितने भी नंबर्स लिखे हुए थे उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे, और हर एक एलिमेंट का जो पोजीशन है उसके पोजीशन का एक नाम होता है जो हमने मैट्रिक्स में भी आपको पढ़ाया था। तो उसको एक बार फिर से हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर उसका नाम कैसे रखा जाता है। सपोज कि एक 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपके सामने, या 3:3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है आपके सामने, जहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे होंगे। और ये जो 9 एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स का अपना कोई ना कोई वैल्यू हो सकता है, हो सकता है यहाँ 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस जगह का जो नाम है इसका नाम हमेशा फिक्स रहेगा। इस जगह के पोजीशन का एक नाम रखा हमने, क्या नाम रखा, ए से हम डिनोट कर रहे हैं एलिमेंट को, और नीचे हम लिखेंगे आई जे, यानी इस तरीके से हम लिखते हैं ए आई जे, ये पोजीशन शो कर रहा है। और अब पूछोगे कि ए क्या है, तो ए एलिमेंट को शो कर रहा है, ए की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है। आई क्या शो कर रहा है, रो को, और जे किसको शो कर रहा है, कॉलम को शो कर रहा है। यानी कि अगर ए 2:3 लिखा हुआ है कहीं पे, मतलब वो एलिमेंट जिसका रो सेकेंड हो और कॉलम थर्ड हो, यानी वो एलिमेंट जिसका रो कितना हो, सेकेंड, तो ये हमारा R1 है, फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। तो रो कौन सा लेना है, सेकेंड, यानी कि सेकेंड रो लेना है आपको, और कॉलम कौन सा लेना है, थर्ड, यानी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो कहां पे आके मिल रहा है दोनों, इस जगह पे, तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा आपका A2:3। तो कहने का मतलब है कि A2:3 लिखा हो या A1:2 लिखा हो, ये सब शो कर रहा है पोजीशन को। A1:2 मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के सामने कौन सा एलिमेंट होगा, तो फर्स्ट रो ये रहा हमारा और सेकेंड कॉलम ये रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा A1:2। तो इस तरीके से हम लोग हर एक एलिमेंट का अपना एक पोजीशन हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है पहले से। तो क्लियर है, ए आई जे यानी कि जहां पे ए हम लोग का रो होगा और जे हम लोग का कॉलम होगा। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स अगर आप लोगों को याद है तो हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 2:2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है उसका वैल्यू निकालना हम लोग सीख लेते हैं।
तो 2:2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा उसका सिंपल एग्जांपल यहाँ एक ले लेते हैं 2, 4, 9, 11। अगर ये एक 2:2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है और कह रहा है इसका वैल्यू निकालने, तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस तरीके से डिटरमिनेंट को शो करेंगे। एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, डेल्टा बोलेंगे इसको, और ये हम लोगों का डिटरमिनेंट को शो करेगा, डिटरमिनेंट के वैल्यू को। तो क्या हो गया हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू, जब भी निकालना हो तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 11 = 22 में से माइनस कर देना है इस दोनों के मल्टीप्लाई को, यानी 9 × 4 = 36। यानी माइनस कर देने पे जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो कभी भी डिटरमिनेंट का आंसर अगर आपको निकालना है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 11, फिर माइनस कर देंगे हम लोग 9 × 4 का, तो आपका आंसर आ जाएगा ये -14 हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन कब होता है, जब डिटरमिनेंट 3:3 ऑर्डर का हो, जैसे 1, 2, 3 -4, 6, 9 1, 2, 5। अब ये 3:3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और कह रहा है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो, तो 3:3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने से पहले हम लोगों को दो चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको हम लोग माइनर्स और को फैक्टर्स बोलते हैं। तो माइनर्स और को फैक्टर्स किसको कहा जाता है, जरा इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो माइनर्स और को फैक्टर्स को समझना, देखिए जितना भी एलिमेंट्स है, यानी इस हमारे डिटरमिनेंट में टोटल कितना एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स हैं। अगर इसके अंदर 9 एलिमेंट्स है तो माइनर्स भी कितना होगा, 9, और को फैक्टर्स भी कितना होगा, 9। यानी जिस डिटरमिनेंट में जितना एलिमेंट उतना ही माइनर्स और उतना ही को फैक्टर्स होता है इसके अंदर। अब माइनर और को फैक्टर में क्या अंतर है, तो पहले बात याद रखिएगा कि माइनर को हम लोग M से डिनोट करेंगे और को फैक्टर को हम लोग C से डिनोट करेंगे। और को फैक्टर किसको कहेंगे, तो माइनर में अगर साइन भी ऐड हो गया, माइनर में अगर हम लोगों ने साइन को भी ऐड कर दिया तो ये को फैक्टर कहलाएगा। अब ये साइन क्या है, कौन सा साइन यूज करना है हम लोग को, तो जरा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं माइनर्स के बारे में समझना, फिर हम लोग कोफैक्टर्स बताएंगे, और कोफैक्टर्स से पहले बताएंगे कि साइन आखिर किस एलिमेंट के सामने कौन सा यूज करेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला है। तो क्लियर है, डिटरमिनेंट हमारे सामने लिखा हुआ है 1, 2, 3 -4, 6, 9 और 1, 2, 5। इस डिटरमिनेंट का हम लोगों को माइनर्स निकालना है। तो क्लियर है कितना सारा माइनर्स होगा, यहाँ पे 9 माइनर्स होगा। तो यानी M11 मतलब कौन सा माइनर, वो माइनर जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सामने का हो। उसी तरीके से यहां के माइनर को क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां के माइनर को फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो क्लियर है M11, M12, M13, M21 ये वाला हो गया, M21, ये M22, M23, M22, M23। उसी तरीके से हम लोग M31, M32, M33 करके बहुत सारा माइनर्स निकालेंगे। अब देखते हैं कि माइनर्स फाइंड कैसे किया जाता है। तो माइनर्स फाइंड करने के लिए सबसे M11 निकालना हमको है। M11 कहाँ है, यहाँ है, ये हमारा है M11। तो M11 के सामने वाले रो और M11 के सामने वाले कॉलम दोनों को ढक लेते हैं। जब दोनों को ढक लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, 6, 9, 2, 5। इसको बस यहाँ उतार देना है, 6, 9, 2, 5, ये हो गया माइनर 1, 1। अब है कि माइनर 1, 2 क्या होगा हमारा, तो फर्स्ट सेकंड, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के जगह ये वाला एलिमेंट है, तो हम लोगों से इसका माइनर पूछ रहा है। अगर इसका माइनर पूछ रहा है तो इसके सामने का रो और इसके सामने के कॉलम को ढक लो, तो इसके सामने के कॉलम और इसके सामने के रो को अगर ढक लेंगे तो क्या बचेगा, -4, 9 और 1, 5। तो इसको यहां पे लिख देना है -4, 9 और 1, 5। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट, यानी 1, 3 का, 2, 1 का, 2, 2 का, 2, 3 का, हर एक का माइनर फाइंड कर सकते हैं। अब जब माइनर आप फाइंड कर लेंगे तो अगला बात है को फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो को फैक्टर फाइंड करने से पहले मैंने कहा है आपको कि साइन याद रखना पड़ेगा। तो साइन कैसे याद रखेंगे, उसका भी एक रूल है। वैसे आप एक छोटा सा ट्रिक याद रख सकते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में स्टार्ट करना है प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी ये डिटरमिनेंट का साइन होता है, इसको आप याद रखेंगे। और ऐसा क्यों होता है उसका भी एक फॉर्मूला है। तो कौन से कोफैक्टर के सामने कौन सा साइन लगेगा, ये डिपेंड करता है कि एलिमेंट कौन सा है।
जो भी एलिमेंट किस पोजीशन पे है उस पोजीशन के हिसाब से साइन लगता है, यानी माइनस वन का पावर, अगर एलिमेंट है ए आई जे, एलिमेंट कौन सा है ए आई जे, यानी कोफैक्टर की बात करेंगे तो सी आई जे लिखेंगे हम लोग, तो ए आई जे जो एलिमेंट है आपका उस एलिमेंट में माइनस वन का पावर आई प्लस जे कर दीजिए, आई प्लस जे, अगर निगेटिव आंसर आएगा तो माइनस लगा देंगे, अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो प्लस लगा देंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग सबसे पहले कोफैक्टर वन यानी इसके लिए पहला वाला पोजीशन का चेक करते हैं, ए वन वन पे क्या होना चाहिए, ए वन टू पे कौन सा साइन होना चाहिए, ए वन थ्री पे कौन सा साइन होना चाहिए, तो जरा माइनस वन का पावर वन प्लस वन कर देते हैं टू, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लस का यूज किया है। अब सेकेंड में इसका इस जगह का नाम है हमारा वन टू, ए वन टू, तो क्लियर है ए वन टू का क्या होगा, माइनस वन का पावर वन प्लस टू यानी माइनस वन का पावर थ्री, पावर ऑड है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा माइनस वन, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस साइन यूज किया है। इसी तरीके से जितना भी पोजीशन है उसके हिसाब से आप इस फॉर्मूला का यूज करके साइन निकाल सकते हैं, ये तो फॉर्मूला है याद सीधा कर लेना है, प्लस से स्टार्ट करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो क्लियर है, इस तरीके से आप साइन याद रखेंगे। अब क्या है कि आपने जितना भी माइनस निकाला है, जितना भी माइनस, अब इस माइनस को सॉल्व भी कर लेंगे हम लोग, ये माइनस को सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, 6 5 30 माइनस 9 2 18, यानी 30 में से अगर 18 हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 12, तो क्लियर है। अब हम लोग M11 के जगह यानी इस पोजीशन पे क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। M12 यानी इस पोजीशन पे हम क्या लिखने वाले हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, माइनस 20 में से माइनस कर देना है किसको, 9 को, यानी माइनस 29, ये हमारा सेकेंड वाला माइनर निकल गया। इसी तरीके से हर एक माइनर को आप पहले फाइंड कर लेंगे, जब आपका हर एक माइनर फाइंड हो जाएगा तो फिर सबके आगे ये वाला साइन सेट कर देना है, यानी यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से साइन यूज करेंगे और तो तब उसके बाद जो वैल्यूज निकलेगा हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर्स। तो यही अंतर है माइनर्स और कोफैक्टर्स में, अगर आपने माइनर्स कोफैक्टर्स को अच्छा समझा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।